तुमने मेरी नाक कटवा दी पूरे खानदान में। तुमने सोचा भी है ये क्या किया तुमने? रोमन क्यों डांट रहे हो अपने भाई को? मेरे भाई ये एक लड़की से प्यार करता है। यार आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं, इसमें ऐसी क्या बात है? भाई बात वो नहीं, असल में बात कुछ और है। अच्छा एक सेकंड जोया, तुम अंदर जाओ। क्या बात है? भाई ये जिस लड़की से प्यार करता है इसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। मेरे भाई अबॉर्शन करवा लेते हैं। और सुनो मैं कुछ गुंडों को जानता हूँ, अगर तुम कहते हो इस लड़की को मरवा देते हैं या कुछ इल्जाम वगैरह लगवा देते हैं, इस तरह क्या होगा, ये फंस जाएगा और वो फंस जाएगी। भाई असल में वो लड़की और कोई नहीं, तुम्हारी बहन। क्या क्या हुआ भाई, अब गैरत जाग गई? करवाए तुम्हारी बहन का अबॉर्शन, बुलाए गुंडे मरवा दे? लोगों की बहनों को भी खुद की बहन समझो। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, प्लीज कुछ कर दो। तुम फिक्र मत करो, तुम बस निकाह की तैयारी करो, शादी तो इसकी तुम्हारी बहन से ही होगी। निकाह में बहुत ताकत होती है क्योंकि इसमें गवाहों से ज्यादा अल्लाह की रजा होती है। जिंदगी नमाज मना नमिया। आप जहाँ बोलेंगे मैं आने को तैयार हूँ। बेटा बड़ा अच्छा हो गया कि तू आ गया है। क्या हुआ माँ? तेरी बीवी का चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं, पता नहीं कितने मर्दों से बातें करती है। अच्छा अभी खबर लेता हूँ मैं उसकी। बेहुदा औरत, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करती हो? नहीं तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी जैसी औरत के लिए मेरे घर में जगह नहीं है। निकलो निकलो। अरे आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ नहीं। निकलो मेरे घर से, मैंने कुछ नहीं सुना। मेरी बात को यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। ये देख इसके नंबर पे कॉल आ रही है, पक्का इसके यार का फोन होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, आपका लोन अप्रूव हो गया। जो आपने जेवर गिरवी रखाए थे अपने सांस के इलाज के लिए। सांस के इलाज के लिए मैं अपने जेवर गिरवी रख दूंगी। रूठे रूठे से सवेरे लहरों। शीशा और रिश्ते दोनों ही नाजुक होते हैं। शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमी से। खुदारा गलत फहमी ना पैदा करे, क्योंकि आपकी बहू भी आपकी बेटी होती है। शादी तो मैं तुमसे कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम्हारा बूढ़ा बाप हमारे साथ रहे। बस इतनी सी बात, तुम्हारे लिए कुछ भी मेरी जान। हाउ स्वीट। अरे वो देखो फ्लावर्स। हाँ बस अभी लेकर आता। ठीक है। हाँ भाई ये फूल कैसे दिए? अरे वाह ये तो एकदम ताजा है, कहाँ से लेकर आते हो? कब्रिस्तान से। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम कब्रिस्तान से चोरी करके लाते हो फूल? नहीं नहीं भाई मैं चोरी नहीं करता, मेरे बाबा एक टीचर थे, उनके स्टूडेंट आज भी उनके कब्र पे फूल रख के जाते हैं। दो वक्त की रोटी के लिए मैं ये गुलदस्ते बेच देता हूँ। क्या? मेरे बाबा नहीं होकर भी मेरे साथ है। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। अबे यार एक ही तो छुट्टी मिलती है, बाद में पढ़ लूंगा नमाज, आज बहुत थका हुआ। उठ जा। क्या हुआ, क्या चाहिए? जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ ले। तुम हो कौन? मैं शैतान हूँ। शैतान तो लोगों को गुमराह करता है, तू तो मुझे नमाज के लिए उठा रहा है, तू कैसा शैतान है? मैं नहीं चाहता कि जब तू नींद से उठे और तुझे इस बात का अफसोस हो कि तेरी नमाज कजा हो गई है और इस वजह से तेरा अल्लाह तेरे सारे गुनाह माफ कर दे। क्या? चल उठ नमाज के लिए। लोग तुम्हारी हजार खूबियां भुलाकर एक गलती देखते हैं और अल्लाह तुम्हारी हजार गलतियों को भुलाकर एक खूबी देखता है। हम मुसीबत के मारे